हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दही के कितने फ़ायदे हैं, दही खाने से हमें कितना, दही में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन ए, विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। खट्टा दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दही हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। दही खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है। जैसे कि हम खाने के साथ हम दही लेते हैं, यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये हमारे खाने को भी जल्दी से डाइजेस्ट करता है। दही, जब तक हम दही ना लें और खाने का स्वाद ही नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, दही खाने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है और यह हमारे वेट लूज़ करने में भी बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे हम दही रोटी खाते हैं या खाने के साथ हम दही खाते हैं तो इसमें हमें जल्दी से भूख नहीं लगती और हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। यह मेंटली और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम दही लेते हैं तो जो बच्चा रहता है उसकी हड्डियां बहुत ही मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिस कारण वह बच्चों की हड्डियों में लाभ पहुंचाता है। दही और शहद का सेवन करने से भी बहुत ही फायदे हैं। यह हमारे स्किन को बहुत ग्लोइंग, अंदर से ही ग्लोइंग करता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मेंटली भी यह बहुत ही रिलैक्स फील कराता है। दही खाने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। दही में बेसन मिलाकर लगाने से हमारे फेस पे जैसे काले दाग धब्बे हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, उसको भी ये अगर हम दही में बेसन को मिक्स कर लेते, जैसे 2 चम्मच बेसन हो गया और 1 चम्मच दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका फेस पैक हम लगाते हैं तो हमारे फेस पे जो टैनिंग होती है उसको यह रिमूव करता है और जो हमारे काले दाग धब्बे होते हैं उसको भी यह रिमूव करता है। और जैसे धूप के कारण, जैसे हम बाहर डेली निकलते हैं तो हमारे फेस पे, हाथ पैर पे ये हमें सन बर्न हो जाता है, उसको भी यह रिमूव करने में बहुत ही मदद करता है। जितना खट्टा दही होगा उतना ही हमारी स्किन के लिए है बहुत ही लाभकारी होगा। खाने में हमें फ्रेश दही लेना चाहिए, खट्टा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब हम इसे अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं तो हमें इसे खट्टा लेना चाहिए। खट्टाई के कारण यह हमारी टैनिंग को जल्दी से रिमूव करता है और जैसे हमारा सनबर्न हो गया है उसको भी यह बहुत ही जल्दी ये रिमूव कर देता है। हमारे फेस पे जैसे काले दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी यह रिमूव करने में खट्टा दही मदद करता है। यह जैसे हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, उसमें भी यह मदद करता है। अगर डेली हम इसे दही को शहद के साथ सेवन करें तो हमारे जैसे जॉइंट पेन होते हैं उसमें भी यह बहुत ही आराम मिलता है। दही को मेहंदी के साथ लगाने से, दही में जैसे मेहंदी मिक्स कर लें, जैसे रात में हमने दही में मेहंदी डाल दिया और हमें सुबह लगानी है अपने बालों में, तो इसका बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और यह हमारे बालों को मजबूती देता है, रीग्रोथ करता है और हमारे बालों को बहुत ही शाइनी करता है। यह बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर की तरह है, हेयर स्पा की तरह है, यह हमारे बालों को बहुत ही मजबूती देता है। और काली मिर्च के साथ दही को मिक्स करके इसका पेस्ट अगर हम अपने बालों की रूट्स में लगाएं तो यह हमारी रीग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। और जो हमारा बहुत दिनों का पुराना जैसे डैंड्रफ जमा हुआ रहता है उसको भी निकालता है और हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है। अगर हमारा स्कैल्प क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, तो हमारे बालों की रीग्रोथ होगी
और हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे और बहुत ही सिल्की एंड शाइनी होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।